जहां पूरे देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन की धूम रही, वहीं जनपद में एक 111 वर्ष की महिला ने कोविड का टीकाकरण कराकर सबसे अधिक उम्र के टीकाकरण में अपना नाम दर्ज करा लिया। आपको बता दें कि गुरुवार को 111 साल की सकीना नाम की बुजुर्ग महिला ने खुद चलकर छोटे काजीपुर कोविड टीकाकरण कैंप में कोविड का वैक्सीन लगवाया। इसी के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी टीकाकरण कराया। 111 वर्षीय सकीना ने कोविड टीका का पहला डोज लगवाया है। अब उन्हें टीके का दूसरा डोज 13 जनवरी 2022 से 10 फरवरी 2022 के बीच लगवाना होगा। 111 साल की सकीना जब टीकाकरण केंद्र पर पहुंची तो उन्हें देखने वालों की भीड़ लग गई और स्वास्थ्य कर्मियों ने उनकी गर्मजोशी से स्वागत किया। सकीना के आधार कार्ड पर उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1910 दर्ज थी। इस मौके पर सकीना ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीका लगवा चुकी सकीना और सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, सकीना नाम है। मैं कोरोना का टीका लगवाया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कितनी एज हो गई आपकी? 111 बताओ। कितना साल हो गया आपको? हमें 111 हो गए। 111 हो गए। किसी तरह के टीके से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे टीके बारे में? जो लोग नहीं लगवाए हैं वैक्सीन अभी तक वो लगवा लें। सरकार के बारे में? अच्छा है, अच्छा है बाबू। योगी जी के बारे में कुछ कहेंगे? बहुत अच्छे हैं, कायों ने खराब बनाई, अच्छे हैं। 111 साल की बुजुर्ग महिला जो मुझे काफ़ी स्वस्थ दिखाई दे रही थी, आई हुई थी वैक्सीनेशन सेंटर पर और उन्होंने अपना वैक्सीनेशन लगाया, जिससे उनको खुद ही हर्ष था वैक्सीनेशन लगवाने के लिए और हमारे स्टाफ भी बहुत खुश हो गए कि ऐसे लोग आगे आ करके वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो हमें अपील है कि जब 110 साल की हमारी माँ स्वरूप महिला आ करके टीकाकरण करा रही हैं तो क्यों बाकी क्यों लोग छूट रहे हैं? अभी हमारे जनपद में 10 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे छूटे हुए हैं जिन्होंने अभी एक भी डोज नहीं लगाया है। तो हमें सबसे अपील है कि सभी लोग हमारे सेंटरों पर आएँ। वैक्सीन बिल्कुल ही फ्री मिल रही है, फ्री में लगाया जा रहा है, बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन है। अभी कोरोना गया नहीं है, इस वजह से कोरोना की वैक्सीन लगाना सबको ज़रूरत है, ज़रूरी है। तो सभी लोग आएँ और अपना वैक्सीनेशन कराएँ, जिससे हम अपने ज़िले को कोरोना फ्री घोषित कर सकें।